मैं मुसलमान होने का फर्ज अदा करती हूँ। मेरा उसूल ये है कि मैं सबसे पहले आपको सलाम करती हूँ। आली जनाब सदर मुदरिस साहब, मैडम साहिबा, असातिज़ा साहिबीन, मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता एक रियासत से दूसरी रियासत इनके कब्जे में आने लगी, तो उस वक्त मुसलमान ही हिंदुस्तान के फरमाबरदार थे। सबसे पहले जिस शख्स को खतरे का एहसास हुआ, शेर मैसूर टीपू सुल्तान थे। इनका जिक्र किए बगैर आजादी हिंद की तारीख अधूरी होगी। इन्हें अंग्रेजों से जंग का फैसला किया और पूरे साथ वो सामान वसीला और फौजियों को तैयारी के साथ इनके मुकाबले के लिए मैदान में आए। जिनको अंग्रेज अपने अज़ैन आज़ादी के रास्ते में बड़ी रुकावट समझते, जंग की आज़ादी में उलमाए इकराम की जहन साजी बहुत ज़रूरी थी और ये काम हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने 1781 ईस्वी में बगावत शुरू किया। दरस कुरान में अपने सिलसिले दरस कुरान ने आज़ादी के लिए लोगों की जहन साजी का काम करते रहे। इनकी शुरू करदा तहरीक अंदरून मुल्क दीगर उलमाओं इकराम में आज़ादी का वसीला बुलंद हुआ। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने जहां पर तमाम हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया, वही कम मवेश हिंदुस्तान हजारों उलमाओं इकराम को शहीद किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिदे का सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। टुडे वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। बिफोर इंडिपेंडेंस द पीपल ऑफ इंडिया हैड सफरिंग बिहेवियर टू द ब्रिटिश फॉर मेनी इयर्स। इट्स अ बिग डे फॉर इंडियन सिटीजन बिकॉज़ ऑन 15th अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम द ब्रिटिश रूल आफ्टर लॉन्ग इयर्स ऑफ स्लेवरी। टुडे वी प्रॉस्पेरिटी लाइक महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मेनी अदर्स। The freedom fighting was collective effort, so we should express participate in the freedom struggle. After independence, we got all the fundamental rights in our own nation. After the independence, India has become one of the largest democratic country in the world. And this is my speech on 15th August. Thank you. Sri aur mere pyare aziz saathiyon, assalamu alaikum. Aaj sab yahan jama hone ka maqsad aap sab bakhoobi jante hain. Aaj hum yahan 15 August manane ke liye jama hue hain. 15 August yani ke azadi ka din. 15 August 1947 ko hamara mulk angrezon ki gulami se azad hua. Kahi bade bade rehnuma jaise Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Tipu Sultan, Sardar Vallabhbhai Patel ki koshishon se hamara mulk angrezon ki gulami se azad hua. हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए इन्हें बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा, अपने घर बार बच्चों से दूर रहना पड़ा, इसके बाद जाकर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज हम जो आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं की बदौलत है। हमको भी इन्हीं की तरह बनना चाहिए, अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखना चाहिए। मैं इतना करते हुए अपनी छोटी सी तकरीर को एक अशआर के जरिए खत्म करना चाहती हूँ। जमीन सलाम करे, सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, हम कुछ ऐसा काम करें सारा जहां हमको सलाम करे। आप सबको सलाम करना अर्शिया अंजुम का फर्ज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस तकरीर के इज्जत मां सदर आली बहार काबिल एहतराम मेहमान खुसूसी सदर मुदरिस साहब, मैडम साहिबा, तमाम जिस सलाहियत असातिज़ा इकराम, सरप्रस्त हजरत मेरे